नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी अस्थमा सेंटर की ओर से। आज हम लोग चर्चा करेंगे, छोटे बच्चों में बहुत सूखी खांसी होती है और सूखी खांसी की वजह से परेशानी होता है, इसके विषय में। आप लोग जो लोग नए दर्शक आए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए। अगर शेयर करेंगे तो बहुत लोग जो लोग जिनको जानकारी नहीं है उनको ये जानकारी मिल पाएगी, और जो पुराने बंधु लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हैं उनको उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत बंधु आते हैं, वीडियो देख के जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब बेल आइकन दबा के अगर ऑल दबाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। विभिन्न तरह का चर्चा हम लोग करते हैं, इससे बहुत सारी नॉलेज मिलती है। तो छोटे बच्चों को खांसी होती, सूखी खांसी, ढाँ ढाँ करके आवाज़ होती है, और ये खांसी होने से इतना अप्रस्तुति है, बेचारा बच्चा का ज़िंदगी तो ख़राब है ही, बच्चा परेशान रहता ही है, हो ही जाता है। उसके साथ साथ उस खांसी का आवाज़ लेकिन माँ बाप के सीने में ज़्यादा ज़्यादा तकलीफ दे होता है। ये खांसी का कारण डिफरेंट इन्वायरमेंटल एलर्जेंस है। एलर्जिक हाइपर सेंसिटिव बच्चे जो होते हैं जिनको एलर्जी की प्रवणता रहती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से एलर्जन शरीर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने की वजह से इचिंग करके थ्रोट में या छाती में खांसी पैदा होता है। ये ड्राई टाइप का खांसी होता है। तो इसमें बहुत सारे डॉक्टर साहब लोग इन्हेलर्स देते हैं। अभी इन्हेलर देने से लोग डर जाते हैं कि अरे इन्हेलर है, मेरे बच्चे को तो दम्मा नहीं है, मेरे बच्चे को तो सांस का तकलीफ नहीं है, इन्हेलर क्यों लग गया। ऐसा नहीं है, इन्हेलर देने का मतलब हुआ कि दवाई डायरेक्टली छाती में भेजा जा सके, लंग के अंदर भेजा जा सके डायरेक्टली। तो खांसी में भी इन्हेलर यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं कि इन्हेलर सिर्फ हफनी में या दम्मे में या सांस के तकलीफ में दिया जाता है। खांसी में भी इन्हेलर्स का बहुत यूज़ है, बहुत रोल है और वो सेफ है। दूसरी, कई बार पोस्ट नेजल ड्रिप होता है, नाक से जो सर्दी निकलने वाली वो अंदर इंफ्लेमेशन होने की वजह से वो सर्दी पीछे छाती की तरफ चला जाता है और वो इरिटेट करके खांसी कराना शुरू करता है। ये पोस्ट नेजल ड्रिप में डॉक्टर साहब लोग नाक का स्प्रे देते हैं, नाक का स्प्रे लेने से भी ये खांसी कम जाता है। कई बार एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक दवाइयाँ भी साथ में चलाना पड़ता है, लेकिन ब्रॉडली अगर देखें तो एंटी एलर्जिक का रोल है, क्योंकि एलर्जी की वजह से ही ये सूखी खांसी होने का प्रवणता रहता है। इसको हम लोग पहचानने के लिए जो ज़रूरत है वो मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट, चमड़े में एलर्जी का परीक्षण करना, पहचान करना किन किन चीज़ों से कितना मात्रा में एलर्जी हो रहा है। वो पहचान जब ही हो जाएगा तो उस बेसिस में स्पेसिफिक वैक्सीन बना के देना। वैक्सीन देने से बॉडी में जिन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है उसके खिलाफ रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाएगा, बन जाएगा। जब रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये सारा खांसी का सिलसिला, ये सारा चीज़ बंद होना शुरू होगा। लेकिन पहले तो डैमेज कंट्रोल है, पहले तो रिलीफ देना जरूरी है। जो बच्चा इतना खांस रहा है, इतना तकलीफ पा रहा है, उसको इन्हेलर, नेजल स्प्रे, एंटी हिस्टामिन ये सब दे के पहले डैमेज कंट्रोल करके पहले उनको रिलीफ देना सबसे फोरमोस्ट काम है। उसके बाद परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम लोग मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करके चिन्हित करके उस बेसिस में एलर्जी का वैक्सीन बना के देते हैं। वैक्सीन सुन के भी लोग डर जाते हैं कि बहुत सारे इंजेक्शन, बच्चों को इंजेक्शन, लेकिन ये एलर्जी का जो वैक्सीन होता है वो सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी होता है, मुंह में खाने वाला ड्रॉप रहता है। जैसे वैक्सीन पोलियो सुनते हैं वैक्सीन है, लेकिन पोलियो दो बूंद जिंदगी की सुनते होंगे, वो बूंद ड्रॉप खाना है, वैसे ये भी एलर्जी का वैक्सीन भी ड्रॉप के हिसाब से दिया जाता है और बहुत सेफ कम्फर्टेबल है। इस तरह का परिसेवा अगर लेने की ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए दो अपॉइंटमेंट नंबर है, उसमें कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आप आके ये परिसेवा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहिए, खुशहाल रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी अस्थमा सेंटर के ओर से।